सेक्स लाइफ के बारे में काफी गलत फहमियां आज भी लोगों में मौजूद है और उनके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त रहूं महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, गलत फहमी है, वो यह है कि हस्तमैथुन बुरा है, हस्तमैथुन नहीं करना चाहिए। हस्तमैथुन यह एक नॉर्मल प्रक्रिया है। हस्तमैथुन के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, बहुत ज़्यादा चर्चा हो जाती है और हस्तमैथुन को ही दोष दिया जाता है। कुछ भी सेक्स लाइफ में हुआ तो वो हस्तमैथुन से हुआ ऐसा बोला जाता है। हस्तमैथुन मतलब मुट्ठी मारना या हैंड प्रैक्टिस करना या मास्टरबेशन उसको बोलते हैं। और 99% लड़के हस्तमैथुन करते हैं और 1% जो बोलते हम करते नहीं हैं वो झूठ बोलते हैं। स्त्रियां जो है वो स्त्री में भी हस्तमैथुन होता है, लड़कियां भी हस्तमैथुन करती है और वह 40-50% लड़कियों में या महिलाओं में हस्तमैथुन करते ऐसा रिपोर्ट पाया गया है। हस्तमैथुन में कितना भी वीर्य गया तभी कुछ होता नहीं है। हस्तमैथुन से कुछ नुकसान होता नहीं है। हस्तमैथुन से लिंग टेढ़ा पतला दुबला छोटा होता नहीं है। ब्रह्मचर्य यही जीवन है और वीर्यनाश यही मृत्यु है, ऐसा आयुर्वेदा में या पुराने हमारे ग्रंथों में कहा गया है। यह सारासार गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितना भी वीर्य गया तभी नुकसान होता नहीं है, कमजोरी आती नहीं है। तो यह हस्तमैथुन है, इसके बारे में अलग वीडियो मेरा है। फिर दूसरा जो है वो है नाइटफॉल। नाइटफॉल होना या वेट ड्रीम्स होना या स्वप्न दोष होना, एक्चुअली इसको स्वप्न दोष बोलते ही नहीं, मतलब दोष बोलना ही नहीं चाहिए क्योंकि यह नॉर्मल है। हर लड़का जब उम्र में आता है 12-13-14 साल के बाद में तो उसका सीमेन प्रोडक्शन हो जाता है, उसको सेक्स के सपने आते हैं और सेक्स के सपनों में वो उसका फॉल हो जाता है, कपड़े गिल्ले हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वो बोला जाता है कि ये तो पेशाब है, मगर वो पेशाब नहीं रहती, वो चिकट हो जाता है और वो चिकट रहता है और वो सीमेन रहता है और वो नाइटफॉल है। नाइटफॉल से कुछ नहीं होता है, नाइटफॉल ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। धातु जाता है नाइटफॉल में, धात जाता है और इसलिए फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है धात जाना नाइटफॉल में और ये मर्द की निशानी है। वैसे ही धात जो है या सीमेन पेशाब के पहले जाता है, कुछ लोग ऐसा कंप्लेन करते हैं लैट्रिन को बैठे उस समय पेशाब करते हैं तब जाता है या लैट्रिन के समय भी धात जाता है और वो एबनॉर्मल ऐसा कहा जाता है। तो देखिए, धात पेशाब के पहले जाओ, लैट्रिन के पहले जाओ, सपने में जाओ, हाथ से करो और जाओ, कैसा भी कुछ भी करो तभी वो बाहर जाने का ही है। उसका जो ठिकाना है धात का वो है अपने घर के पीछे का नाला। ये मैं मजाक में बोलते रहता हूँ, घर के पीछे का नाला। आप सेक्स भी करते हैं और सेक्स करने के बाद में धातु अंदर गिरता है योनि में और वहाँ से जब औरत खड़ी हो जाती है, पेशाब को जाती है, तभी वहाँ से भी वो धातु बाहर जाते रहता है। तो वहाँ से भी वो धातु कहाँ जाएगा, घर के पीछे के नाले में जाएगा। हाथ से किया तो भी वहीं जाएगा, नाइटफॉल में गया तो भी वहाँ जाएगा, पेशाब में गए तो भी वहाँ जाएगा। धातु अंदर रखने की कोई जगह नहीं है, उसका कोई स्टोर हाउस नहीं है, उसके कोई बड़े टैंक नहीं है, उसको कोई ऐसा जिंदगी भर थोड़ा थोड़ा वापरने का नहीं है। फिर चौथा जो है वो है कि मेरा धात जो है वो पतला है, ऐसा लोग बोलते रहते हैं। तो पतला और जाड़ा जो है वो कुछ प्रॉब्लम ऐसा होता नहीं है। सीमेन पतला है या जाड़ा है उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, देखना यह है कि वो सीमेन जो है उसमें शुक्राणु है कि नहीं है। ऐसा है कि नॉर्मली 1 ml ना, इतना सा 1 ml जो है उसमें 60 million स्पर्म्स शुक्राणु रहते हैं, मतलब 6 करोड़ करीब 6 करोड़। एक साथ हम 2-3 ml यदि हम डिस्चार्ज करते हैं, 2-3 ml सीमेन एक साथ यदि बाहर निकलता है तो कितने करोड़ हो गए, 12-18 करोड़ शुक्राणु जाते हैं एक समय हम सेक्स करते हैं। तो 1.5 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ शुक्राणु रहा तभी भी चलता है, तभी बच्चा हो सकता है। 1.5 करोड़ रहा तो कम से कम 1.5 करोड़ तो भी होना जरूरी है। 1.5 करोड़ से ऊपर कितना भी रहा तो भी बच्चा हो सकता है। धातु दुबला या पतला ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग बोलते कि नहीं, धातु जाने से मेरी बहुत कमजोरी आ चुकी है, मेरे गाल बैठ गए हैं, आंखों के सराउंडिंग में काला हो गया है, मेरा वजन कम हो गया है, मेरे को नींद नहीं आती, मेरे को बहुत कमजोरी लगती है। तो सब ये बिलीफ की वजह से है, साइकोलॉजिकल है, बिलीफ है कि भाई धातु जाने से अपने को कमजोरी आती है, ऐसा बिलीफ ही पक्का है।
और वो आयुर्वेदा में पढ़ा है, कुछ ग्रंथों में पढ़ा है, कुछ बाबा महाराज लोग बोलते रहते हैं, आज भी कहीं यूट्यूब के ऊपर महाराज आते रहते हैं, और कहीं जो कल्ट है उसमें भी बोला जाता है कि धातु को वेस्ट नहीं करना है, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। वो लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई धातु का जो है एक बूंद वो खून के 80 बूंद के बराबर होता है, इतना पावरफुल होता है, और आपने इतना गमा दिया तो कितना खून आपका चले गया। लोग ये सुन के हैरान हो जाते हैं और कमजोर होना चालू हो जाता है। लोग आते हैं कि डॉक्टर मेरा छोटा है, इसलिए लोग हमारे पास में आते रहते हैं। छोटा है या पतला है या दुबला है, इसलिए लोग आते रहते हैं। मैं एकदम बोलता हूँ कि योनि जो है, स्त्री की योनि, वो यदि 4 से 6 इंच है तो उसका बाहरी जो हिस्सा है, 1 से 1.5 इंच बाहरी हिस्सा, वही सेंसिटिव रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब बाहरी हिस्सा उसका 1 से 1.5 इंच वही सेंसिटिव है, तो आदमी का पेनिसिलिन अंदर जाता है तो 1.5 इंच तक की उसको सेंसेशन है। तो आपका यदि लिंग 1.5 इंच भी है या 1 इंच भी है, तभी भी वो चलता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 इंच से यदि कम है आपका पेनिस, तो फिर समझना इसका प्रॉब्लम है, और उसका फिर आपको इलाज करना होगा, अदरवाइज इसका इलाज करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 इंच से कम नहीं होना चाहिए, 1 इंच से कम किसी का होता नहीं है। जिनका होता है उनको फिर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, हॉर्मोनल प्रॉब्लम्स है, और वो इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। छठवां जो मिसकंसेप्शन है वो है कि भाई मेरा लिंग टेढ़ा है। देखिए टेढ़ा लिंग जो है वो 10 डिग्री का टेढ़ा, मतलब ऐसा है तो थोड़ा ऐसा हो गया तो चलता है। क्यों? क्योंकि योनि जो है वो इलास्टिक है, टेढ़ा भी हो गया तभी वो बराबर अकोमोडेट कर लेती है उसका। एकदम ऐसा टेढ़ा हो गया, एकदम झुक गया, पूरा बेंड हो गया है, जिसको पायरोनियस डिसीज बोलते हैं, तो फिर प्रॉब्लम है, फिर आप सेक्स नहीं कर पाओ। अदरवाइज थोड़ा इधर उधर लेफ्ट राइट उसमें कुछ करने का नहीं है। आप अंडरवेयर जब पहनते हैं तब आप बाएं तरफ लिंग रखते हैं कि दाहिने तरफ लिंग रखते हैं, उसके ऊपर भी बाएं तरफ झुका हुआ है कि दाहिने तरफ झुका हुआ है, ऐसा वो दिखता है, फिर अदरवाइज उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिर नेक्स्ट जो है, सातवीं जो गलत फहमी है वो है कि मैन जो है ना वो लीडर है, सेक्सुअल लीडर है। मतलब कैसा है कि आदमी जो है, मर्द जो है, उसने बोलना चाहिए औरत को कि मुझे सेक्स करना है, उसने अप्रोच होना चाहिए, उसने आरूढ़ होना चाहिए, मिशनरी पोजीशन में उसने ऊपर से आना चाहिए, इनिशिएट उसने करना है। स्त्री ने सिर्फ बस पैसिव पार्टनरशिप करनी है, स्त्री ने कुछ एंजॉय करना नहीं है। अभी वैसा रहा नहीं, पुराने जमाने में था कि भाई स्त्री ने कुछ नहीं करना है, उसने पड़े रहने का, आदमी आया उसने किया वो चले गया, स्त्री को हो रहा है नहीं हो रहा है, ऑर्गेजम हो रहा है नहीं हो रहा है, स्त्री को मजा आ गई नहीं आ गई, कुछ नहीं मालूम। अभी वो दिन नहीं रहे, स्त्री भी एंजॉय करती है, ये भी लोगों को मालूम हुआ, स्त्रियों को भी मालूम होगा, महिलाओं को, कि वो भी एंजॉय कर सकती है, और वो डिमांड करती रहती है कि नहीं मुझे एंजॉयमेंट नहीं हुआ है और आप इसका इलाज करो, मुझे एंजॉयमेंट नहीं हो रहा है, आपका जल्दी हो रहा है, आपका जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है, ऐसा वो भी डिमांड करती है। क्योंकि स्त्री को यदि ऑर्गेजम नहीं हुआ तो उसको मजा आता नहीं है। बहुत बार स्त्री ऐसा बोलती कि मैं तो अभी शुरू भी नहीं हुई और आप तो खत्म हो गए, क्योंकि उसको होता है अर्ली डिस्चार्ज। तो स्त्री को फोर प्ले करने के लिए उसको इन्वॉल्व करना है, फोर प्ले में अच्छा फोर प्ले करना है, उसका ऑर्गेजम करवा के देना है, ये ठीक है। मगर स्त्रियां भी अभी आदमी को एक्साइट करती है, आदमी को ऑर्गेजम करने में सहायता करती है, और स्त्री भी अभी लीडर करके रहती है सेक्स में। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैन नहीं बोलना चाहिए करके। फिर आठवां जो कॉमन गलतफहमी है वो है कि पहली जो रात है, सुहाग रात, उसमें स्त्री ने ब्लीड करना चाहिए, मतलब खून आना चाहिए, तभी वो भी एक गलतफहमी है। स्त्री ने रात में, मतलब पहले रात में स्त्री ने ब्लीड होना चाहिए, वो बहुत जमाने में पहले था, और वैसा था कि भाई पर्दा फटना चाहिए, और सुहाग रात में यदि स्त्री का पर्दा फटके यदि खून नहीं आता है तो इसका मतलब स्त्री कुंवारी नहीं थी, उसका पहले सेक्स हो चुका है, ऐसा पहले मानते थे, और फिर बहुत झगड़ा डिवोर्स तक बारी जाती थी। उल्टा तो मतलब लड़के की माँ, एक बोलना नहीं चाहिए मगर लड़के की माँ बड़े ताव से चाव से बोलती थी, चादर निकाल के दूसरे दिन सवेरे, कि देखो मेरी जो बहू है देखो कुंवारी थी क्योंकि उसका ब्लीडिंग हुआ, मतलब इस तरह की वो बड़े चाव से बोलती थी या बड़े अभिमान से बोलती थी कि भाई गर्व से कि भाई देखो ब्लीडिंग हुआ करके। मगर अभी ऐसा नहीं है, लोगों को मालूम हुआ है अभी कि ये जो है वो इलास्टिक रहता है, इलास्टिक रहता है, तो इलास्टिक रहता है उसको छेद रहते हैं। अब समझो वहाँ पर्दा है भी और सेक्स भी हुआ तभी वो फटेगा नहीं, ऐसा भी हो सकता है, तो फटेगा नहीं तो खून नहीं आएगा। दूसरा भी आजकल लड़कियां खेलकूद करती है, जिम्नास्टिक करती है, पैर फक जाते तो उसमें वो फट जाता है, पहली।
तो फिर खून नहीं आएगा। तो बहुत कारण रहते कि पर्दा पहले ही फटा हुआ या उसने पहले हस्तमैथुन किया। अभी तो मैंने बताया 50 से 60% लेडीज हस्तमैथुन करती है, पर्दा फट गया तो पहले नाटकों को कैसा पर्दा फटेगा। तो पहले डिवोर्सेस तक बात जाती थी, झगड़े होते थे कि पर्दा फटा नहीं है, खून आया नहीं, इसका मतलब कुंवारी ने कि अभी वैसा रहा नहीं है और वो दिमाग में से निकालना चाहिए। फिर नेक्स्ट गलतफहमी ये है कि जब मासिक धर्म होता है, मतलब मेंसेस होती है, मेंस्ट्रुएशन होता है, तो उसमें सेक्स करना यह अनसेफ है, ऐसा माना जाता है। तो ऐसा नहीं है, मेंसेस में सेक्स किया तो कुछ होता नहीं है, सिर्फ साफ सफाई रखना जरूरी है। आप कंडोम पहनते हैं तो कोई गंदगी मतलब लगेंगी भी नहीं पेनिस को, और साफ सफाई रखते हैं तो भी कुछ होगा नहीं। उल्टा यदि वजाना ड्राई रहता है बाकी समय, तो मेंसेस के समय वजाना गीला रहता है, लुब्रिकेशन वहाँ ज़्यादा रहता है, तो मेंसेस में सेक्स किया तो सेक्स उल्टा अच्छा हो सकता है। तो मेंसेस में सेक्स करना कोई अनसेफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सेफ है। और उसमें एक्चुअली हो सकता है कि औरत ज़्यादा एंजॉय कर सकेंगी बिकॉज ऑफ लुब्रिकेशन। फिर नेक्स्ट गलतफहमी है वो है कि ओरल सेक्स गलत है या गंदा है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का प्रिफरेंस रहता है कि वो ओरल सेक्स करते हैं, और ओरल सेक्स करना इसका मतलब यह है कि लिंग को मुंह में लेना औरत ने, और मुंह में लेके एंजॉय करना दोनों ने। उसमें आदमी भी एंजॉय करता है, औरत भी एंजॉय करती है। आदमी ने वजाइना को मुंह से चाटना, क्लाइटोरिस को मुंह से चाटना, उसको मुंह से स्टिमुलेट करना, टंग से, जबान से उसको स्टिमुलेट करना, उसमें भी दोनों एंजॉय करते, दोनों को भी अच्छा लगता है, और उसमें कोई गलत नहीं है, अपना अपना चॉइस है, प्रिफरेंस है। मगर यदि कोई पार्टनर को अच्छा लगता नहीं है तो फिर नहीं करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। मगर बहुत ऐसे कपल्स आते कि नहीं हम दोनों उसमें बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, ऐसा बोलते हैं, तो वो एंजॉय करना ठीक है, और ओरल सेक्स करना कोई गलत नहीं है। कुछ लोग ओरल सेक्स पहले करते हैं और बाद में फिर रेगुलर सेक्स करते हैं और फिर वो एंजॉय करते रहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि मिशनरी पोजीशन इज द ओनली पोजीशन और वही करना चाहिए, ऐसा नहीं है। मिशनरी पोजीशन मतलब आदमी ने औरत के ऊपर आरूढ़ होना और सेक्स करना, एक ही पोजीशन, ऐसा नहीं है। लोग मेजोरिटी लोग ऐसे ही करते हैं, अलग 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 पोजीशंस हैं, और अलग अलग पोजीशंस में यदि सेक्स करते हैं तो दोनों को भी उसमें उत्सुकता रहेगी, दोनों को भी मजा आएगा। अलग अलग, जैसा हम आलू की सब्जी है 50 तरीके से आलू की सब्जी तैयार कर सकते हैं, वैसा यह है कि अलग 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 काफ़ी सारे आसन है, उसको एंजॉय करना। ऐसा नहीं कि मिशनरी पोजीशन है और उसमें ही करना चाहिए और उसमें करेंगे तो ही बच्चा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर नेक्स्ट गलतफहमी है कि भाई एजिंग मतलब उम्र बढ़ना। तो लोग उम्र बढ़ने के बाद में बोलते कि नहीं नहीं अभी इच्छा कम हो गई। हाँ होती है कम, ऐसा नहीं है। मतलब जो 15 साल का 18 साल का बच्चा उसकी जितनी इच्छा होती है उतनी इच्छा 60 साल के आदमी की नहीं रहेगी, डेफिनेटली नहीं रहेगी। मगर ऐसा नहीं है कि 60 साल का 70 साल का हो गया तो भी सेक्स होता ही नहीं है। मेरे पास में 85 ईयर्स का व्यक्ति अभी रिसेंटली उसने कॉल किया, बोला कि नहीं मुझे करने की इच्छा होती है, थोड़ा आजकल जो है ना जितना चाहिए उतना कड़क होता नहीं है डॉक्टर, अभी तक मैं कर रहा था, पिछले 6 महीने से ऐसा प्रॉब्लम आ गया है। और उसको वाइफ को भी प्रॉब्लम है, तब वो भी एंजॉय करती थी। तो एजिंग से कुछ होता नहीं है, दोनों भी यदि एंजॉय कर रहे हैं, जोड़ों का दर्द है, वजन ज़्यादा है, पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्बी है, फिर कोई बीमारियाँ हैं, तो फिर होता नहीं, बात अलग है। अदरवाइज यदि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दोनों की इच्छा है, दोनों सेक्स कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, दोनों कितने भी साल तक सेक्स कर सकते हैं, बिल्कुल मरे तक सेक्स कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी गलत फहमियाँ हैं, ये गलत फहमियाँ आप निकाल देते हैं दिमाग में से तो आपका सेक्स लाइफ बहुत अच्छा हो सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को शेयर करो। आप शेयर करेंगे तो लोग गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। एक तरह का सेक्स एजुकेशन है जिसमें लोगों की सेक्स लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।